रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ नोबिता वरना अच्छा नहीं होगा। बचाओ जी यार, मुझे नहीं पता, बस तुम रुक जाओ, यहाँ से वापस जाओ। अब नहीं बचोगे, अब कहाँ जाओगे, अब तुम नहीं बच सकते हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? प्लीज कोई बचाओ मुझे। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे। बाल बाल बच गया, लेकिन मुझे बचाया किसने? छोड़ो भी, जो भी हो। ए, सुनो लड़के, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर गोडा कहाँ पर रहते हैं? क्या मिस्टर गोडा? गोडा मतलब, समझ गया, आपको जियान के घर जाना है। उसका घर अगले मोड़ पर ही है अंकल। समझ गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ 10 साल के बाद आया हूँ, ये शहर तो पूरी तरह से बदल चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जरूर जियान के अंकल ही थे। हाँ शायद वो वही हैं। जियान ने एक बार मुझे बताया था कि उनको जूडो में 10th degree ब्लैक बेल्ट मिली हुई है। हाँ मैंने भी सुना था। हाँ हाँ मैंने भी बिल्कुल यही सुना था दोस्तों, सही कहा। इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि एक बार उन्होंने एक भालू को हराया था। मैंने सुना है कि उनके पूरे खानदान में वो सबसे ताकतवर हैं। वो बहुत बड़े हैं, उनका चेहरा बालों से भरा है और वो बहुत ताकतवर भी लगते हैं। इनका पूरा परिवार ही डरावने लोगों से भरा हुआ है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे जियान, तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ अंकल, दरअसल आप हमारे घर इस बार बहुत दिनों के बाद आए हैं ना। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पर ये बताओ जियान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बस थोड़ी सी चोट लगी है, मैं पाइप के अंदर था और किसी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैंने भी अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन हमला अचानक हुआ था ना, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था अंकल। प्लीज आप मुझे भी जूडो सिखा दीजिए ना, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ और कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हारना चाहता। समझ गया। हाँ प्लीज अंकल, आप मुझे जूडो की ट्रेनिंग दीजिए ना, उसके बाद मैं सब बच्चों की पिटाई किया करूँगा। ठीक है। सुनो जियान, जूडो कोई लड़ाई करने का हथियार नहीं है। जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो वो असली ताकत नहीं है, ये दरिंदगी है, दरिंदगी। क्या सच में? क्योंकि जो असली ताकतवर होते हैं वो दिखावा नहीं करते और उनसे नहीं लड़ते जो कमजोर होते हैं। जूडो का असली मकसद होता है खुद को बेहतर बनाना, न कि लड़ाई करने के लिए खुद को ताकतवर बनाना, समझे? अंकल हाँ मैं गलत था, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ। आज से मैं अपने आप को बदलूंगा और हमेशा कमजोर बच्चों की मदद करूंगा। मुझे खुशी हुई जियान, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बिल्कुल अंकल, अब मैं सबकी मदद करूंगा। अंकल की उन बातों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है डोरेमोन। तुम्हारे अंकल तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैंने सोच लिया है, आज से मैं हमेशा कमजोर लोगों की मदद किया करूंगा।
और तुम जानते हो सबसे कमजोर तो नोबिता है, इसीलिए अब मैं इसकी मदद करूंगा। शुक्रिया। देखो हा? आज से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है नोबिता। क्या तुम्हें कोई शक है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा जियान। ठीक है, मैं साबित करके दिखाता हूँ। तुम बाहर जाओ और किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारी मदद करने आऊँगा। मैं किसी परेशानी में नहीं फंसना चाहता हूँ, समझे? देखो तुम घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहा, अभी नहीं बाद में कभी करेंगे। तुम चल क्यों नहीं रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ नोबिता। ये करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मत कहो, अच्छे काम में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। रुक जाओ। पता नहीं अब नोबिता के साथ क्या होने वाला है। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ। अगर कोई भी परेशानी आई तो मैं उससे निपट लूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा नोबिता। सुनियो, तुम नहीं बच सकते। हे, नोबिता को छोड़ दो, समझे? अरे कोई बात नहीं। हाँ बस भी करो नोबिता। नोबिता, तुम्हें अब तक किसी ने परेशान क्यों नहीं किया? देखो अब तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, समझे? तो मैं कर भी क्या सकता हूँ जियान। हेलो। हाय। हाय। लगता है जियान गुस्से में है। अरे ये क्या हुआ, ये लोग अचानक से क्यों भाग गए डोरेमोन? अगर तुम उन्हें ऐसे घूरोगे तो वो भागेंगे ही ना जियान। अरे शिजुका। हाँ ऐसी बात है क्या? हाँ चलो कल मिलेंगे नोबिता, बाय। ये जियान ऐसे क्यों देख रहा है? छोड़ो भी। ठीक है। आखिर कोई भी नोबिता को परेशान क्यों नहीं कर रहा है? अरे वाह, देखो सुनियो आ गया। इतना खुश क्यों हो रहे हो? हे हेलो नोबिता। हाय। हेलो जियान, हेलो डोरेमोन। ये क्या? बस बहुत हुआ। किसने मारा मुझे? ये काम नोबिता का है। क्या? ये तो झूठ है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नोबिता। और तभी सुनियो को खतरे का अंदाजा हो गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का जहाज डूबने से पहले चूहे भाग जाते हैं और भूकंप से पहले कैटफिश को पता चल जाता है, वैसे ही सुनियो को भी पता चल गया। मैंने तुम्हें माफ किया। हा? जाओ। हा? ये तो बहुत चालाक निकला। नोबिता, तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि तुम्हें कोई परेशान करे? अब मैं क्या करूँगा? कुछ करो, जियान को गुस्सा आने लगा है। नोबिता, तुमने कहा था मेरी मदद करोगे और अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि कोई मुझे परेशान क्यों नहीं कर रहा है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा ही है ना नोबिता? अब मैं क्या करूँगा? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों की मदद की कद्र नहीं करते। याद करो नोबिता, कोई तो होगा जो तुम्हें बहुत परेशान करता हो। ऐसा तो एक ही है, वो इंसान है खुद जियान। तो ठीक है, अब देखना जियान। अब क्या है? शांत हो जाओ, मुझे पता है नोबिता को कौन सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या कहा, कौन है वो? चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन। लेकिन क्या? असल में वो बहुत ताकतवर है। ताकतवर? तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर? तुम्हारी टाइम मशीन कमाल की है। सही कहा। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? जल्दी आओ दोस्तों, ये देखो। क्या हुआ, क्या वो यहीं पर है? हाँ जल्दी आओ, देखो तो सही, वो यहीं पर है। अब कहाँ जाओगे बच के? वो कहाँ पर है मुझे बताओ। वो अभी अभी उस पाइप के अंदर चला गया है। ठीक है, बाकी अब मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे तंग करते हो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ।
तुम्हें मैं आसानी से नहीं भागने दूंगा। अरे छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है पर मैं जा रहा हूँ। कौन है, छोड़ दो मुझे। बचाओ। शायद अब जियान को अच्छा सबक मिल गया होगा, पर मुझे इसके पास के बारे में सोच के बुरा लगता है। मुझे मार क्यों रहे हो? आखिर मैंने नोबिता को तंग करने वाले को सबक सिखा ही दिया।